दोस्तों, जैसे कि आपने देख लिया होगा थंबनेल में, आज का वीडियो किस टॉपिक पे है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, आपके लिए बहुत मददगार है। मैं हीरो होंडा पैशन का कार्बोरेटर कैसे वॉश करते हैं वो बताऊंगा आज मैं। तो सबसे पहले कार्बोरेटर को खोल लेना पड़ेगा आपको। कार्बोरेटर को खोलने के बाद को टेबल या किसी क्लीन जगह पर कार्बोरेटर को रखना है। कार्बोरेटर को रखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जो नीचे दो स्क्रू रहता है वो दोनों स्क्रू खोल लेने हैं आपको। करके खोलिएगा, ऑयल रहता है नीचे और इसके ऑयल में देखिए कितनी गंदगी है। अब क्या काम करना पड़ेगा आपको, जो इसके नीचे पिन रहता है फ्लोट पिन, उसको खोल लेने हैं आपको। धीरे धीरे, चोट ना लगे उसे। खोलने के बाद आपको ये पिन संभल के रखना पड़ेगा, इस पिन को, गुम हो जाएगा तो फिर बहुत महंगा। आपको कि इसे 7 नंबर पाने से ही खोलिए, मेरे पास प्लस था इसलिए मैंने प्लस से खोला। और दूसरा वाला पिन को आपको स्क्रू ड्राइवर से खोलना पड़ेगा, बहुत प्रेशर से नहीं लगाएगा लगाने के वक्त। अब चेक करना है उसके जो छेद है, छेद क्लियर है या नहीं, छेद क्लियर है या नहीं। फूँक मार के आप देख सकते हैं, फूँक मार के दोनों को ही देखना है आपको। फिर वायर ले लेना है, इलेक्ट्रिक वायर, उसके जो तांबे का तार होता है उस तार को इसके अंदर से घुसाना पड़ेगा आपको, घुसा के उस छेद को क्लियर करना है आपका। क्लियर है तो नहीं करना पड़ेगा, क्लियर है नहीं है तो करना पड़ेगा। देख लीजिए, ज़्यादा मोटा तार मत लीजिए। फिर आपको सबको अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है पेट्रोल से, पेट्रोल से ही कीजिएगा, दूसरे की किसी चीज़ से नहीं कीजिएगा। पेट्रोल से क्लीन करने के एक ही फ़ायदा है कि अच्छी तरीके से साफ़ होता है, ये एक अच्छे तरीके। और इसके अंदर जो देख रहे हैं, एक बार गंदगी से जाम हो जाए तो ऑयल ओवरफ्लो होने लगता है, जो पिन है गंदगी से जाम हो जाए, ओवरफ्लो का जो पिन, लंबा सा पिन देख रहे थे आप कटोरी में, जो पिन देख रहे थे आप, उसको फूंक मार के देखना पड़ेगा वो पाइप जो नल है वो क्लियर है या नहीं, नहीं तो टैंकी से ऑयल आना बंद हो जाता है गाड़ी का, उसको आपको देखना है। सब क्लियर है तो आपको लगा देना है सब, एक एक करके ध्यान से लगाइएगा। इस पिन को पहले देख के लगाइएगा कि सही में लगा रहे हैं या गलती कर रहे हैं आप कोई। तो ठीक से देखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसका जो पिन है उस पिन को लगाना है, लंबा वाला जो पिन है मिडिल पॉइंट पे लगाना है आपको। देख के लगाइए ठीक है या नहीं, जो पिन है वो मिडिल में रहना चाहिए, हटना नहीं चाहिए। चेक कर लेना है अप डाउन कर रहा है या नहीं, पिन ठीक है या नहीं। उसके बाद इसके कटोरे को लगा देना पड़ेगा, और इसके बाद स्क्रू आपको दोनों देख के लगाना पड़ेगा, पेच ठीक से लगा है या नहीं। पेच आरी तेरी हो गई तो प्रॉब्लम हो सकती है आपको। और जो इसका रबर वाला ऑयल सील होता है वो देख लेना है आपको, बाहर चला गया या अंदर चला गया। फिर आप गाड़ी में सेट कर दीजिए। इसके बाद आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं आप मुझे कमेंट में बताइए। आपके लिए नए नए वीडियो लाता रहूँगा और भी वीडियो लाऊँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर देना। बहुत बड़ी बात कह दिया मैंने, के मन में जो अच्छा लगे वो कर देना आप।